गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। गोरखनाथ ब्लड बैंक की नींव सन 2005 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर द्वारा रखी गई थी। ये बातें गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने बताया कि ब्लड बैंक शुरू से ही निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हुए सन 2007 में कंपोनेंट विभाग का स्थापना कर पूर्वांचल के लिए वरदान साबित हुआ। सन 2010 में व्यावसायिक रक्तदाताओं को रोकने के लिए बायोमेट्रिक विधा का प्रयोग कर दूषित रक्त से छुटकारा मिला और सुरक्षित रक्त की आपूर्ति होने लगी। सन 2014 में डेंगू और वायरल के कारण प्लेटलेट की कमी को देखते हुए एफरेसिस की स्थापना किया गया। सन 2015 में ऑटो सेल सेपरेटर की स्थापना की गई और इसी वर्ष नवजात शिशुओं के लिए रक्त आपूर्ति हेतु कंपोडॉक भी लगाया गया। 2019 में एक चलता फिरता ब्लड बैंक रक्तदान वाहन आया। इससे दूर दराज के स्व रक्तदाता को भी रक्तदान करने में सुविधा मिला। ब्लड बैंक के कार्य प्रणाली को देखते हुए 2019 में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा इस ब्लड बैंक को मॉडल ब्लड बैंक का दर्जा मिला। गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि ब्लड बैंक निरंतर 16 वर्षों से निर्बाध अपनी सेवाएं दे रहा है और आगे भी गोरखनाथ भगवान की कृपा से लगातार जनमानस के कल्याण हेतु अपनी सेवाएं देता रहेगा। डॉक्टर कामेश्वर सिंह ने ब्लड बैंक की अपार सफलता एवं उपलब्धता का श्रेय ब्लड बैंक तकनीशियन एवं रक्तदाताओं को दिया। साथ ही साथ यह भी बताया कि चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कार्यक्रम में ब्लड बैंक के सभी कर्मचारी के साथ चिकित्सालय के डॉक्टर देवी प्रसाद, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, देवीश, अनुप पांडे, विनय गौतम, सुनील चौधरी इत्यादि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा, गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक की स्थापना दिवस है। इस ब्लड बैंक को खुले हुए आज 2005 से 21 तक 16 वर्ष बीत गए और यह सफलतापूर्वक अपनी जर्नी अपनी यात्रा को पूरी कर रहा है और एक उच्चतम ब्लड बैंक प्रदेश का बन चुका है। और इस सब का श्रेय केवल और केवल हमारे इन रक्तदाताओं को जाता है जिन्होंने इस ब्लड बैंक को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, तथा हमारे जितने टेक्निकल स्टाफ हैं, हमारे चिकित्सालय के जितने सहयोगी हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, इन सब का सहयोग हमको इतना प्राप्त हुआ है कि यह ब्लड बैंक आज प्रदेश जैसी संस्था उन अधिकारियों के द्वारा, तो मैं आज आपको इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक की स्थापना 2005 में आज ही के दिन हुई थी। तब से ये ब्लड बैंक संपूर्ण पूर्वांचल, पश्चिमी बिहार और नेपाल की ब्लड की और ब्लड के कंपोनेंट की लगभग हर मांग को पूरा कर रहा है। आज लोगों में इस ब्लड बैंक के बारे में इतना विश्वास है कि कभी भी किसी भी वक्त कहीं कोई आता है तो निराश नहीं होता है। जो ब्लड बैंक का स्टाफ है उसने दिन रात मेहनत करी है और हमारा वेस्टेज रेट कम से कम रखा गया है। इवन इस कोरोना के महाकाल में कभी भी किसी भी वक्त, जबकि और जगह ब्लड में या मेडिकल फैसिलिटीज में कमी हुई थी, यहाँ एक मिनट के लिए भी इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा गया। आप सबके असीम प्यार और कोऑपरेशन से आज ये ब्लड बैंक यूपी के महान ब्लड बैंकों में से एक आ गया। मैं इसकी उन्नति के लिए हमेशा कामना करता हूँ। धन्यवाद।